नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 21 जुलाई 2019, और आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जो कल आप लोगों ने सवाल पूछा था 20 तारीख को, 20 जुलाई को, उन सारे सवालों पर अपना व्यू लेकर मैं आया हूँ। जो सवाल आपने पूछे थे स्टॉक रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड और भी ट्रेडिंग टर्म रिलेटेड, उन सारे सवालों का जवाब मैं यहां पर एक एक करके दूंगा, अपना व्यू बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन का बॉक्स ओपन है, आप वहाँ भी मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। और सवाल तो है नवाज पासा जी पूछ रहे हैं कर्नाटका से कि सर क्या शनिवार को ट्रेडिंग होती है क्या, क्योंकि ये वीडियो मैंने अभी बनाया है, इसमें ट्रेडिंग चालू है। यहाँ पे इन्होंने इस वीडियो छोटा सा बना के भेजा था मुझे, जिसमें प्राइस ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन आपको बता दूं, मैं बार बार अपने वीडियो में, नवाज पासा साहब शायद आप नए व्यूवर हैं हमारे, मैं बार बार बताता हूं कि शनिवार यानी सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को एनईसी में मॉक ट्रेडिंग सेशन चलता है। यानी एनईसी अपने डेटा को अपडेट करता है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, जिसके वजह से वहाँ वर्चुअल ट्रेडिंग होती है ना, वहाँ वर्चुअल ट्रेडिंग होती है। आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं सैटरडे को, लेकिन आप प्रॉफिट भी कमाएंगे और लॉस भी कमाएंगे। लेकिन शाम 3:30 बजे के बाद वो सारे चीज जीरो हो जाते हैं, मतलब जैसा आपका पहले था वैसा ही सारा हो जाएगा, ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है, वो एनईसी अपने डेटा को सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, इसके वजह से। आप देखेंगे चार्ट पे भी ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिये यहाँ पे ये यूनियन बैंक का, तो यहाँ यूनियन बैंक का दोस्तों यहाँ पे ये कैंडल है, आप जरा ध्यान से देखिए ये कैंडल पर, ये डेली का चार्ट है, ठीक है, डेली का ध्यान से देखिए नवाज पासा साहब, ये डेली पे मैं फिंगर लेके जा रहा हूँ माउस, तो देखिए टाइम डेट नीचे 22 जुलाई दिखाई दे रहा है ना, 22 जुलाई तो अभी आया भी नहीं है, 22 जुलाई तो कल है मंडे को, तो फिर ये कैंडल कहाँ से आई, ये वही वर्चुअल ट्रेडिंग की कैंडल है। इस वजह से आपको वहाँ पे बाय और सेल होते हुए और प्राइस मूवमेंट दिख रहा होगा, क्योंकि एनएससी अपने डेटा को अपडेट करता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट, वो लाइव मार्केट में तो अपडेट नहीं कर सकता ना, वरना सारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, ट्रेडिंग बंद हो सकता है, तो वो कब करेगा, छुट्टी के दिन करेगा, हॉलीडे वाले दिन करेगा, वीकेंड में करेगा, है ना, इस वजह से वो आपको दिखाई देता है, वहाँ ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग नहीं होती। चलिए अगला सवाल देखता हूँ। आर्यन मयूर साहब लखनऊ से पूछ रहे हैं कि रवि कुमार साहब नमस्कार, आपको भी भाई साहब नमस्कार, आपका आपके काम करने के तरीके, आपके बोलने के स्टाइल, आपके नॉलेज का दीवाना हो, थैंक यू सर। सवाल है ये इनका कि राणा सुगर पिछले कुछ महीनों के पैटर्न को देखकर अपने एनालिसिस के आधार पर इस स्टॉक के बारे में अपनी रुझान साझा करें। चलिए सर राणा सुगर के बारे में बताता हूँ, देखते हैं राणा सुगर कहाँ पे दिखाई, कल आप लोगों ने देखा होगा मैंने जो एनालिसिस किया था ना वो चार्ट नेक्सस पे किया था। कारण क्यों, क्योंकि वही यहाँ पे अगर करता तो ये लास्ट कैंडल हमेशा डिस्टर्ब करती मॉक ट्रेडिंग वाली। देखिए इसमें भी मॉक ट्रेडिंग हुआ है, वर्चुअल ट्रेडिंग हुआ है, तो कितनी बड़ी कैंडल एक नीचे दिखाई दे रही है 22 तारीख को। तो राणा सुगर को आपने सर लिया हुआ है, अगर नहीं लिया है तो अभी बिल्कुल सपोर्ट प्राइस पे खड़ा है, डेली के चार्ट पे देखें तो बिल्कुल सपोर्ट प्राइस पे ही है खड़ा है, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए सर राणा सुगर में, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, एक बाउंस बैक आने देखिए। मार्केट अभी निगेटिव है, सारा सेंटीमेंट निगेटिव है, सारे सेक्टर निगेटिव है, एक शुगर सेक्टर, एक केमिकल सेक्टर, यही मैं थोड़ा सा थोड़ा मेरा टायर वगैरह सेक्टर में सारे कुछ में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन अभी शुगर और केमिकल में थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। पर अभी हम इसमें पोजिशन नहीं बना सकते हैं आर्यन साहब, पोजिशन हम लोग तब बनाएंगे, और ये भी ऐसा भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है बिल्कुल पेनी स्टॉक है ना, तो पेनी स्टॉक पे ऐसे भी दूर रहने की सलाह होती है, क्योंकि ये कब जीरो हो जाएगा कोई नहीं जानता, इस डेप्ट वाली कंपनी होती है, कर्जे वाली कंपनी होती है, ये सारा जीरो भी हो सकता है। लेकिन आप अगर ट्रेड ही करना चाहते हैं इसमें तो 3 रुपए के ऊपर बनाए पोजिशन, उसके पहले बिल्कुल अभी ना बनाए। संतोष जी पूछ रहे हैं भिलाई से कि SKMEGG स्टॉक एक क्वांटिटी को सॉरी 100 क्वांटिटी को 35 रुपया पे लिया हुआ है पहला, दूसरा C8 के 50 क्वांटिटी को 900 पे लिया हुआ है, SLN टारगेट 6 महीने के होल्डिंग रखना चाहते थे SKMEGG। चलिए देखते हैं SKMEGG ये कौन से स्टॉक्स हो गए, मैं बहुत ऐसे ऐसे स्टॉक्स का नाम सुनता हूँ, ऐसे 31 रुपीज छोटा स्टॉक से कोई बात नहीं है, इसका जरा वीकली चार्ट हम लोग चेक करेंगे ना तो हमें लोगों को आइडिया कुछ आ जाता है। देखिए बिल्कुल अभी इसमें
वीकली चार्ट पे देखें तो इसने सितंबर 2014 के प्राइस पे आके अपने आप को होल्ड करा है, यानी बहुत पुराना प्राइस पे आके रुका हुआ है। ठीक है, बहुत ही पुराना प्राइस, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनी है तो बहुत ही पुराना प्राइस पे आके रुका हुआ है। एक संतोष जी थोड़ा वेट कर लें, आप थोड़ा वेट कर लें, आप होल्डिंग रखना, आप ले चुके हैं ऑलरेडी तो होल्डिंग में बने रहिए। अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए 25 रुपीज़ का। ठीक है, 25 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। रही बात सीएट का, तो सीएट अभी देखिए वो टायर कंपनी है, तो टायर कंपनियां 1-2 महीने में शायद सुधर सकती है, क्योंकि ऑटो सेक्टर थोड़ा खराब चल रही है। लेकिन टायर कंपनियां सिर्फ टायर नहीं बनाती बल्कि और भी चीज, रबड़ वगैरह का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो नीचे एक सपोर्ट है इसके पास, बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर डेली के चार्ट पे हम देखना चाहे तो इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है। यही आपको कम से कम जो है 750 का, 735 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन, ये कैंडल में, सॉरी मैं भी भूल गया था, ये कैंडल इग्नोर करके चलना है। इस वजह से मैं ना चार्ट नेक्सस खोला था, वहां पे हमेशा कंफ्यूज पैदा करेगा मॉक ट्रेडिंग वाला। ठीक है, तो सीएट की आपका मैं सीएट देख लेता हूँ। चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए सर, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए बिल्कुल, 820 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, होल्ड करिए। टारगेट आपको लगभग, आपने 900 रुपये पे लिया है तो आपको लगभग टारगेट 950 रुपये का मिलेगा। ज़्यादा का तो भी फिलहाल नहीं दिख रहा है मूवमेंट, पर आप एक बार 925 का स्टॉप लॉस, सॉरी 870, हाँ 835 का स्टॉप लॉस होल्ड करिए। ठीक है, 835 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 6 महीने के लिए आप रखना चाह रहे तो रख सकते हैं बिल्कुल। ओमकार दावादे जी मुंबई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि SBI लाइफ इंश्योरेंस बाय किया है 746.50 पे, अपना व्यू बताएं। सर SBI लाइफ में जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा टारगेट आ गया है SBI लाइफ, फिर भी चलिए देख लेते हैं। मैंने पोजिशनल कॉल दिया हुआ था है ना, और आपने इसको लिया हुआ है सर 746.50 पर। चलिए 746.50 पे आपने लिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं 746। अभी स्टॉक का जो लो लगा हुआ है 731 रुपये के आसपास में लो लगा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा होल्ड कर लें सर। 715 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, उसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा तो कष्ट हो रहा है, लेकिन अभी 715 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 715 को ब्रेक करे सर तो एकदम एग्जिट कर जाइएगा, वरना बहुत मुसीबत में फंसाएगा, ये नीचे भी आ सकता है। मैं एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता हूँ 200 EMA का, यहाँ पर मैक डेवल एन 18 जुलाई को 600.50 रुपया पे इंटर किया है, बने रहूं या निकल जाऊं। चलिए मैक डेवल एन एन को देख लेते हैं, तो मैक डेवल एन का चार्ट, मैक डेवल एन मैकडेवल होल्डिंग नहीं बल्कि यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड आप पूछ रहे हैं, वही है उसका दूसरा नाम, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ये 600.50 रुपये पे लिया सर। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ठीक है ना, इसके स्टॉप लॉस लगेगा आपको लगभग, आपको स्टॉप लॉस 565 रुपये का लगेगा, 565 का स्टॉप लॉस लगाएगा, 35 रुपये का वहाँ से स्टॉप लॉस बन रहा है, एक बाउंस बैक का उम्मीद यहाँ से आप कर सकते हैं 35 रुपये का, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, यानी कि 565 के पास। 565 को ब्रेक करेगा तो फिर रुकने का कोई फायदा नहीं, ये डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ये किन लोगों ने पूछा, सूरज साहब मैंगलोर से पूछ रहे थे। समीर गांधी साहब नवसारी गुजरात से पूछ रहे हैं कि आई वांट टू बाय MMN इन इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन मंडे। सर इंट्राडे के लिए ना इस सेक्शन को दूर रखता हूं मैं, ठीक है समीर साहब, माफी चाहूंगा। इंट्राडे के लिए क्वेश्चन जो होते हैं माने लेवल, इस सेक्शन से दूर रखता हूं, क्योंकि इंट्राडे के लिए मेरा ऑलरेडी 3 स्टार चलता है टेलीग्राम पर देता हूँ, फिर भी आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। एज पर माई वेरी लिटिल नॉलेज आई थिंक इट हैज रीच टू द बॉटम। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये अपने बॉटम पे पहुंच चुका है, यानी सर बॉटम कहाँ होता है सर ये कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकता कि स्टॉक कितना बॉटम बनाएगा, ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लगभग बॉटम पे पहुंच गया तो हम लोग देखना चाहेंगे। तो हम लोग देखते हैं मंडे को, इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पे आप व्यूटे सर इंट्राडे के लिए ऐसे भी मैं इस सेक्शन को दूर रखता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बॉटम पे पहुंच गया, बॉटम कोई नहीं जान सकता सर कि कहाँ बनता है स्टॉक का बॉटम, कितना दूर ये बन सकता है। PC ज्वेलर का एक एग्जांपल लेते हैं, DHFL का एक एग्जांपल लेते हैं, यस बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं, बॉटम कहाँ बनाया, जब वो 400 से गिरना शुरू हुआ, यस बैंक कहा गया कि 320 पे बॉटम है, उसका 320 ब्रेक हो गया, कहा 260
उसका बॉटम है 260 से गिर गया, कहा गया 110 पे बॉटम, 110 गिर गया, आप चलाया वो लगभग 70-80 के आसपास, तो बॉटम कहाँ बनाएगा स्टॉक कोई नहीं जानता है सर, ठीक है। बस आप अपना रिस्क कितना ले सकते हैं इस बात को आप अपना बर्दाश्त करके रख सकते हैं। ये अभी डाउनफॉल का ही सिग्नल है, बाउंस बैक मिलेगा, छोटा बाउंस बैक मिलेगा, पर स्टॉक का ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव है, स्टॉक बिल्कुल डाउनफॉल में है। अगर ये ब्रेक कर देता है सर 570 को, तो 560 का लेवल नीचे साइड में आपको मंडे के दिन दिखा सकता है। क्या कह रहे राहुल साहब पुणे से, कह रहे हैं कि निफ्टी 1 अगस्त का 11,500 का कॉल बाय किया है 60 रुपए पे, क्वांटिटी 900 लिया है, यानी ठीक है। तो मंडे को 22 का, मंडे को 22, अच्छा 22 तारीख को जो है 1 अगस्त तक निफ्टी का क्या व्यू रहेगा? सर निफ्टी का अभी भी ट्रेंड पर 11,300 निगेटिव व्यू ही है सर, निफ्टी का जो ट्रेंड है कंप्लीट निगेटिव व्यू ही है, इसलिए आपने कॉल लिया हुआ है तो एक बाउंस बैक मिले तो सर जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी अभी भी कंप्लीट डाउनफॉल में, ये 22 तारीख ये मॉक ट्रेडिंग का कैंडल, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी कंप्लीट व्यू है, निफ्टी बिल्कुल 11,200-300 तक का भी लेवल दिखा सकता है, अगर इसने ट्रेड कर गया, अगर ये ट्रेड कर गया गलती से 11,390-85 के नीचे, तो आपको जो है निफ्टी 11,300-11,200 तक के लेवल दिखा सकता है। इसलिए अगर मंडे को बाउंस बैक मिलता है सर जो आपने लिया हुआ है कॉल ऑप्शन, तो उसे एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा सवाल है कि आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, तो निफ्टी ओपन कैसे हुआ? सर मॉक ट्रेडिंग चलता है, अभी मैंने नवाज पाशा साहब का जवाब दिया था, मॉक ट्रेडिंग के वजह से वहाँ पर जो है सैटरडे और संडे को, हो सकता है आपने वीडियो स्किप करके डायरेक्ट अपने सवाल पे आप आ गए हो तो आपको पता नहीं चला हो, मैंने वहाँ पे बताया था कि सैटरडे और संडे को एनईसी जो है अपने डेटा को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, वर्चुअल ट्रेडिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि वो लाइव मार्केट में डेटा को अपडेट नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर सकता, वरना ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, इसलिए वो वीकेंड में करता है। वीकेंड में जब करता है तो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, मॉक ट्रेडिंग होती है वहाँ, बाय सेल सारा हो जाएगा, जो प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा, आप सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन शाम होते होते आपका सारा प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी जो जैसा था पहले सब वैसा ही हो जाएगा, ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो वो मॉक ट्रेडिंग सेशन होता है, उसकी कैंडल भी बनती है। यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये 22 तारीख की कैंडल है, नीचे आप डेट देख सकते हैं, 22 तारीख की कैंडल है, ठीक है, 22 तारीख, 22 तारीख तो अभी आया भी नहीं, तो यही है, ये वर्चुअल ट्रेडिंग की कैंडल है। वेल्लोर तमिलनाडु से मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि बाय किया है सर, बाय किया हुआ क्वांटिटी में हाफ क्वांटिटी कैसे सेल करें कवर ऑर्डर में? कवर ऑर्डर में आप बिल्कुल नहीं कर सकते सर, आपको इसके लिए नॉर्मल इंट्राडे में लेना पड़ेगा, ताकि आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहे, कवर ऑर्डर में ये बिल्कुल फंक्शन नहीं है। ब्रैकेट ऑर्डर में आप जब कभी लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके अलग अलग प्राइस मिलता है, आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन कवर ऑर्डर में बिल्कुल नहीं कर सकते। राकेश जी हाजीपुर बिहार से पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेरी है कि मैं हमेशा आपके बताए 3 स्टार या टेलीग्राम के लेवल से ट्रेड करता हूँ, खुद से भी वेरीफाई करता हूँ आपके बताए लेवल से, एंड अच्छा प्रॉफिट बनता है, वेरी गुड, बट मैं फिर एक ऐसा ट्रेड ले लेता हूँ जैसे यस बैंक, DHFL, जिसमें ज़्यादा रिटर्न का चक्कर में हमेशा लॉस हो जाता है। सर लगभग लोगों की यही परेशानी है DHFL, इसका मतलब राकेश साहब आपसे माफ़ी चाहूँगा मैं कि आप मेरे वीडियो को तो इसका मतलब सुनते नहीं है, जब मैं एनालिसिस करने वाला वीडियो डालता हूँ जिसमें जैसे ही DHFL और यस बैंक का स्टॉक आता है, मैं सीधा कहता हूँ इसको इग्नोर करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसमें इसको इससे दूर रहने की सलाह हमेशा मेरी होती है, मेरा व्यू होता है। तो सर उस स्टॉक्स में आपको क्या लगता है सर, मतलब आप अकेले हैं उसमें ट्रेड करने वाले? बिल्कुल भी नहीं, आप अगर यस बैंक और DHFL में अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा सर, है ना, उसके जगह सर किसी दूसरे स्क्रिप्ट को पकड़ लीजिए। दूसरी बात, जब आपको प्रॉफिट हो जाता है ऑलरेडी, तो फिर तीसरा चौथा पांचवा ट्रेड लेने की क्या जरूरत है? आप लोग मेरा अगर लाइव ट्रेड वाला वीडियो देखते हैं तो 1 से 2 ट्रेड लेता हूं काफी हो जाता है ना, अगर प्रॉफिट हो चुका है, मेरा टारगेट आ चुका है, डन हो चुका है, तो मैं तीसरा ट्रेड क्यों करूं? मुझे तो ये समझ में लोगों के नहीं आता है, जब अपना काम हो चुका है तो मैं टर्मिनल में आंख गड़ा के क्यों देखता रहूं? क्योंकि जैसे ही आप आंख गड़ा के टर्मिनल को देखते रहेंगे ना राकेश साहब, मार्केट हमेशा आपको एक ना एक अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि अरे यहाँ पे भी बाय हो रहा है, यहाँ पे भी सेल हो रहा है, फिर आप एंट्री लेंगे और सारा प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही काम होता है आप सिस्टम छोड़ दीजिए, सिस्टम बंद कर दीजिए, PC बंद कर दीजिए, उठ जाइए। इसलिए मैं टेलीग्राम पर लिखता हूँ, सेव योर प्रॉफिट, क्लोज योर PC, इंजॉय योर लाइफ, ठीक है। अपने प्रॉफिट जो आपने कमाया उसको सेव करिए, PC को क्लोज कीजिए और मजे लीजिए जिंदगी का, लेकिन अगर आप दिन भर ट्रेड करेंगे तो लॉस ही करेंगे फिर सर।
शिवांग चौहान जी मेरठ यूपी से पूछ रहे हैं कि ओआरबी स्ट्रेटेजी पर रूल्स पर वीडियो बनाओ, लाइक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कितने पॉइंट्स की होनी चाहिए एंड किस टाइप का स्टॉक सेलेक्ट करें। सर, मार्केट में आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ कोई फिक्स नहीं होता है कैंडल इतने पॉइंट की हो या नहीं हो, 5 पॉइंट की, 10 पॉइंट की, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आपका रिस्क हमेशा उस कैंडल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना, स्टॉप लॉस ओआरबी पे हमेशा उस कैंडल के, पहली कैंडल के हाई या लो पे होता है, ये आपको पता है, या जो ऑर्डर ट्रिगर करता है उसके लो या हाई पे, उसके प्रीवियस कैंडल के लो या हाई पे होता है, ये भी आपको पता है। तो आपका कितना रिस्क आ रहा है, कितना रिस्क आ रहा है, आप अपने रिस्क को देखिए, कैंडल के साइज को मत देखिए। अगर कैंडल के साइज को आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है आप हमेशा छोटे साइज वाले कैंडल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसका कोई फिक्स फॉर्मूला सर नहीं है। आपको एक एक करके वीडियो, सॉरी एक एक करके आपको स्टॉक देखने पड़ेंगे। दूसरा, आपने कहा कि किस तरह के स्टॉक सेलेक्ट करें, सर ओआरबी में आपको मैंने ऐसे भी बताया था पहले भी वीडियो में कि आप गेनर लूजर से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मार्केट में रनिंग मार्केट है, गेनर लूजर से आप स्टॉक सेलेक्ट करके ओआरबी में काम कर सकते हैं। उसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैंडल 5 पॉइंट की हो, कैंडल 10 पॉइंट की हो, नहीं, आपका रिस्क कितने पॉइंट का है वो आप डिसाइड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वांटिटी होना चाहिए। सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से पूछ रहे हैं, सालासर टेक्नोलॉजी अपर लेवल, GTPL अपर लेवल, मेग मनी ऑर्गेनिक अपर लेवल, स्पाइसजेट अपर लेवल। सुनील साहब, एक चीज बताऊं कि आपके सवाल, बुरा मत मानिएगा, माफी मांगता हूं पहले ही, कि आपके सवाल पढ़ के मुझे लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, है ना। अगर आप हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये मैं सही समझा या नहीं समझा, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा, ठीक है ना। मुझे पक्का यकीन है आपके सवाल को देख करके, पूछने का तरीका को देख के मुझे लग रहा है कि आप पक्का गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ आप, लेकिन ये हमको बताइएगा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि मेरा सही में आपके बारे में जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो सही है या नहीं है। फिर भी चलिए मैं आपको इसका अपर लेवल बता देता हूँ, सालासर टेक्नोलॉजी, GTPL, मेग मनी, स्पाइसजेट। सालासर टेक्नोलॉजी तो एस वाले में जाएंगे, टेक्नोलॉजी लग गए, अपर लेवल सर इसका बहुत बड़ा है सर, यहाँ है अपर लेवल 400 रुपये तक का, ये इसीलिए मैंने बोला ये सही सही भी नहीं हो सकता ना। आपने अगर किसी प्राइस पे लिया है ना सर, अगर आपने किसी प्राइस पे लिया है, सुनील सर किस प्राइस पे लिया है वहाँ से मैं आपको आपका अपर लेवल बता सकता हूँ, ठीक है। पर अगर इसका अपर लेवल कह रहे तो ये 400 का है, ये आपको समझ में है ना। तो आपको ये चीज़ को करना, आपको प्राइस लिखना पड़ेगा सर, एक प्राइस लिखना पड़ेगा कि आपने इतने प्राइस पे लिया है और इतने दिनों के लिए लिया है। अगर अगर इतने प्राइस पे लिया है तो वहाँ से कहाँ तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है नियर टर्म में, वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। लेकिन अगर अपर लेवल तो लीजिए 400 तक का अपर लेवल है उसका, तो ये सही तरीका आपका है नहीं, लेकिन जो मैंने आपके बारे में प्रिडिक्ट किया है बताइएगा मुझे जरूर कि सही समझा था आपके बारे में या नहीं। शेखर जी पूछ रहे हैं बिहार से, भागलपुर बिहार से, कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। तो शेखर साहब, आपको किसने रोका है, आप मुझे उसका नाम बताइए, आपको ट्रेडर बनने से कौन रोक रहा है, सिर्फ उसका नाम आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। कोई नहीं रोक रहा है सर, आप बनिए, ठीक है, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। पर ट्रेडर बनने के लिए सर टाइम निकालना पड़ेगा, और मैं अगर आपके बारे में गलत नहीं हूं तो आपने मुझे एक बार कॉल किया था जहां तक मुझे याद है, और आपके पास एक वीडियो देखने का भी टाइम नहीं था, है ना, और आपने डायरेक्ट पूछा था पैरामीटर फोन पे, मुझे बता दीजिए टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो देखने का। तो सर जब टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कैसे बनेंगे ट्रेडर, मुझे एक सवाल बता दीजिए, है ना जवाब। अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा, अगर मैं सही हूँ तो, हो सकता है आप कोई और हो, पता नहीं, मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर टाइम देंगे सर, पूरा मार्केट आपसे पूरा टाइम मांगेगा, पूरा टाइम मांगेगा, कि आप जब किसी बिजनेस को करते हैं, किसी धंधे को करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना, उसको जमाने में, सेटअप करने में, उसको समझने में, उसके बेसिक समझने में, उसके सारे चीज़ों को समझने में, मार्केट के हाव भाव समझने में टाइम लगता है बिजनेस को सेटअप करने में। तो आपसे भी यहाँ पूरा टाइम मार्केट लेगा सर। बाकी बहुत सारे चैनल है, मेरा भी चैनल है, वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ बीच बीच में कंटिन्यू, मेरे तो एक दिन में 3 से 4 वीडियो आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते रहिए सर, और जहाँ से भी सीखने को कुछ मिलता है जरूर सीखते रहिए, मार्केट हर दिन कुछ आपको नया सिखाएगा, पर समय देना पड़ेगा सर, बिना समय दिए कोई उपाय नहीं। यशपाल शर्मा साहब हरियाणा से पूछ रहे, DHFL 1000 शेयर 97 के रेट पर आपने लिया है, भारी नुकसान हो रहा है। यशपाल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी आपसे तब बात हुई थी जब DHFL में भारी गिरावट हुई थी, है ना, मैंने तब भी आपको कहा था सर कि एग्जिट करिए, है ना, वहाँ से
तब भी मैंने आपको कहा था एग्जिट करिए अगर आपने लिया है, अगर नहीं लिया है तो अभी हाथ मत लगाइएगा। अगर आप हाथ लगाते हैं तो 6 महीना साल भर उसमें कुछ नहीं होने वाला है, वो डाउनफॉल में रहेगा। ये बात मैंने आपको कहा था, अगर ने कहा था या नहीं कहा था आप मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पक्का याद है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा था उस वक्त फ़ोन पर, तो मैंने आपको फ़ोन पर यह जानकारी दी थी कि सर आप उससे अभी दूर रहिए, है ना। जो स्टॉक्स एक ही दिन में 20 से 25 पॉइंट अप और डाउन हो जाता है, 20 से 25% डाउन नहीं, 20 से 25% अप और डाउन हो जाता है, जैसे कि RBL बैंक अभी रिसेंटली कल है ना, सॉरी फ्राइडे को जो गिरा है, उसको मैं अभी उस स्टॉक को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मुझे वैसे स्टॉक्स में कभी काम नहीं करने होते हैं सर, जो इसका मूवमेंट अब अनसर्टेन बहुत ज़्यादा, अनसर्टेन सारे हैं पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया हो, मुझे कभी भी उस स्टॉक्स में काम नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं हमेशा दूर रहने की सलाह देता हूँ। उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे सर तो मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, दूसरा स्टॉक्स पकड़ लेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स है। आप तब से उस वक्त DHFL को मैंने तभी मना किया था आपको लेने से कि मत लीजिए DHFL, फिर भी आपने लिया 97 के रेट पर, और अभी भी आप कह रहे हैं कि भारी नुकसान हुआ है। सर बिल्कुल आपको नुकसान ही यहाँ पर है, कुछ और है नहीं DHFL में, अभी वो और नीचे दिखा सकता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है ना। दीवान जहाँ तक मुझे लग रहा है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि DHFL, हाँ यहाँ चलिए हम लोग देख लेते हैं DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस। देखिए कहाँ चला आया ये स्टॉक सर, मैंने तब कहा था, तब मना किया था मैंने आपको कि मत इसमें एंट्री करिएगा, लेकिन अब आपने एंट्री कर लिया है सर, तो अब आप एक स्टॉप लॉस लगाइए सर, है ना, 44 का लास्ट स्टॉप लॉस लगाइए, इसको हट अगर ये ब्रेक कर देगा तो स्टॉक का फिर ऐसे भी ख़त्म हो जाना है कहानी। आप ऐसे भी कंप्लीट देख रहे हैं, ये न्यूज़ में चल रहा है हर दिन, कुछ ना कुछ स्कैम होता है, कोई ना कोई फॉल्ट होता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो क्यों बने रहेंगे सर, जो भी हो रहा है काट कूट के ख़त्म करिए उसको कहानी, है ना। फ्रेश स्टॉक जो गया सो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता सर, ये स्टॉक रिकवर कब कैसे करेगा, अगर इसमें हर दिन कोई ना कोई बुरी खबर आती रहेगी, ये अपना काम सही से नहीं करेगा, डिफॉल्ट करता रहेगा, कर्जे को लोन को चुका नहीं पाएगा, तो ये अब अपसाइड कैसे जाएगा आप बताइए, कुछ कोई उपाय नहीं है इसका अपसाइड जाने का। फिर तो एक स्टॉप लॉस लास्ट मेंटेन करिए सर अंतिम, और उसके बाद अगर निकलता है इस पर साहब तो बिल्कुल निकल जाइएगा। पंडित विष्णु साहब वर्धान तेलंगाना से पूछ रहे हैं कि M&M 630 पे परचेस किया है, मे आई कैन होल्ड और क्विट। क्विट कर जाइए सर, 630 पे आपने लिया है M&M, बिल्कुल क्विट कर जाइए, अभी वो डाउन साइड का ही फॉल है। रामा राव साहब हैदराबाद तेलंगाना से पूछ रहे हैं कि मेरे पास इंडसइंड बैंक के 1530 पे शेयर हैं, L&T के 1350 के भाव पे हैं, मदरसन सुमी के 180 पर, टाटा इलेक्सी 735 पे, क्या मैं बना रहा हूँ लॉन्ग टर्म होल्ड करना। सर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तब तो बात ही खत्म हो गई, आप बिल्कुल बने रह सकते हैं इंडसइंड बैंक में, L&T में, मदरसन सुमी में, टाटा सब में, अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो। पर जब भी लॉन्ग टर्म करें एक स्टॉप लॉस अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि कितना परसेंट लॉस होने के बाद आप एग्जिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक का एक लिमिटेशन होता है सर, एक एरिया होता है कि उसके ऊपर जाओगा जाएगा तो बाय करूंगा, उसके नीचे जाएगा तो सेल करूंगा, वो एरिया आपको डिसाइड करना है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं और आप अपना, आपको पता है जैसे एक मेरा जैसे अपना होता है, छोड़िए मैं अपना नहीं बताऊंगा, जैसे आप एक मान लेते हैं इंडसइंड बैंक तो 1530 पे लिया है, तो आपको एक एरिया लगाना पड़ेगा कि ये 1400 से नीचे जाएगा ना तो मैं कट कर लूंगा, क्योंकि मुझे 200 से ज्यादा का लॉस प्रति स्टॉक पर शेयर नहीं लेना है, मैं कट कर दूंगा, आप कट कर लीजिए, लेकिन वो एरिया आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा रामा साहब कि आपको कितने देर के कितने प्राइस के बाद उससे निकलना है, क्योंकि रिस्क आपका कितना हो रहा है ये आपको बेहतर पता है कैपिटल के हिसाब से, तो वो आपको डिसाइड कर। लॉन्ग टर्म कर लिए रखना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, फिर भी चलिए हम लोग इंडसइंड बैंक को अगर देखना चाहें तो इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक आपने 1530 पे लिया हुआ है, एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 1350 रुपए का, अभी हालांकि हमारा डाउनफॉल का ही इसमें भी सिग्नल है कंप्लीट, कल मैंने बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस किया था, आप उस वीडियो को देखिए, मैंने इंडसइंड बैंक के बारे में इसमें बताया हुआ है। और L&T को 1350 इस पे भी आप फिलहाल वही बने रहिए सर L&T, फिर भी चलिए इसका चार्ट दिखा देता हूँ L&T का, जेके इसका भी मैंने एनालिसिस करके डाला था लार्सन एंड टुब्रो, चलिए लार्सन एंड टुब्रो का कि ये धीरे धीरे अभी टच करेगा 1370-77 के पास, आप एक होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए इसमें 1345 रुपए का और वेट करिए, यहाँ से इसको एक बाउंस बैक मिलने की उम्मीद है। मदरसन सुमी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर याद रखिए जो भी बता रहा हूँ आप अपने भी
रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। दिलीप गांवकर साहब बदलापुर मुंबई से पूछ रहे हैं कि सर आप अच्छी तरह समझा देते हैं, थैंक यू सर। फायर्स मोबाइल पे सब ऑर्डर्स के बारे में स्टॉप लॉस मॉडिफाई ऑर्डर कैंसिल एग्जिट एक्सेट्रा डिटेल में वीडियो बनाओ। बनाऊंगा सर, बिल्कुल बना दूंगा। मैंने दूसरे लोगों के वीडियो देखे पर उससे ऑर्डर के समय के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। ऑर्डर के समय के प्रॉब्लम मतलब आपको ऑर्डर कितने समय कितने बजे लेना है, कितना टाइम पे लेना है, ये सर कोई नहीं बता सकता आपको। आपकी मर्जी, आप जब चाहें ऑर्डर ले लीजिए, हाँ। लेकिन डिटेल वीडियो बनाने की बात है तो वो मैं बना दूंगा सर, नो प्रॉब्लम। और निफ्टी का चार्ट मोबाइल पर देख नहीं सकते क्या? सारे चार्ट देख सकते हैं मोबाइल पे, चार्ट का ऑप्शन आता है, सारे चार्ट देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन में एक एक करके कोशिश करूंगा बता दूंगा। वॉच लिस्ट में निफ्टी 58 नहीं हो रहा, ऑलरेडी वहाँ पे वॉच लिस्ट है सर, ठीक है ना, ऑलरेडी वहाँ पे वॉच लिस्ट हो रहा है। आपको FNO वाला सेलेक्ट करना, इंडेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडाइसेस करके, ठीक है। इंडाइसेस में निफ्टी 50 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस बैंक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लीज, रामा साहब, रामा मोहन जी पूछ रहे हैं कर्नूल आंध्र प्रदेश से। सर बैंक निफ्टी का कल मैंने वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देखिए, यस बैंक के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। शाकिल ऐबानी साहब गुजरात से पूछ रहे हैं कि सकुमा एक्सपोर्ट 17.70 रुपये पे लिया है, होल्ड या सेल? सकुमा, चलिए देखते हैं। और क्या कह रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये शेयर अप जाएगा या डाउन? सर ये कोई पहचान नहीं सकता, बट आप एनालिसिस कर सकते हैं कंटिन्यू। ये दो मिनट का काम नहीं है सर, दो मिनट का काम नहीं है कि आप दो मिनट में देखते के साथ बता दे अब जाएगा ये डाउन, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यू चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट के मूवमेंट को देखना पड़ेगा, स्टॉक्स के मूवमेंट को देखना पड़ेगा, नेचर को समझना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। सर को मैंने 17.70 रुपये पे लिया है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए सर, फिलहाल आपको नीचे आता हुआ इसलिए देख रहा है कि सारे जो है डाउनफॉल में सेक्टर है, और इसमें थोड़ी सी और भी कुछ गड़बड़ी चल रही है अंदर अंदर जहां तक मुझे जानकारी है। तो एक बार आप इससे एग्जिट कर लीजिए सर, अभी लगभग 2 रुपये के लॉस पे हैं, तो आप एक बार यहां से एग्जिट कर लीजिए, वापस सही प्राइस पे मिले कम से कम 19 के ऊपर तो ही आप करेगा, वरना इस जो मेरा तो पर्सनल व्यू है कि इससे आपको एग्जिट ही कर लेना चाहिए। विनीत जी अमरेली गुजरात से पूछ रहे हैं कि TCS के 35 शेयर भी 2070 पे लिया है तो कितने पर एसएल होगा और टारगेट क्या होगा? 2070 पर, चलिए 2070 पर देख लेता हूँ। TCS टाटा कंसल्टेंसी TATAC 2070 पे लिया सर, वहीं के आसपास हैं, आप क्या टेंशन है, अभी स्टॉप लॉस लगाइए सर, 2035 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर की साइड में आपको टारगेट तो देगा लगभग 2200 तक का, लेकिन अभी फिलहाल होल्ड करिए 2035 के स्टॉप लॉस के साथ। अभिजीत जी पुणे से पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज व्यू ऑन जैन इरिगेशन, आई बाय ऑन द प्राइस ऑफ 28 ओवरऑल 100 से, ठीक है सर कोई बात नहीं। जैन इरिगेशन, तो जे में चलते हैं और यहां से जैन इरिगेशन देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कर रहा हूँ ना, क्योंकि फायर्स में वो प्री सॉरी फायर्स में मॉक ट्रेडिंग का भी डेटा दिखाता है, तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं सैटरडे को कोशिश करता हूँ कि दूसरे वर्जन पे, दूसरे टर्मिनल पर अपना एनालिसिस करूँ। आपने 28 पे लिया है जैन इरिगेशन में, सर 28 पे लिया है, अब 22 आ गया है और स्टॉक कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 16 रुपये का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन ये लास्ट सपोर्ट होगा सर, इसके बाद आपको निकलना पड़ेगा सर अभिजीत साहब, रुकने का कोई फायदा नहीं है इसमें। एलएन साहब टाटा नगर से पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड स्टॉक फॉर नेक्स्ट डे एंड आल्सो फाइंड द हाई एक्सप्लोसिव लेवल ऑफ दैट स्टॉक विद टारगेट वन डे बिफोर, सो दैट व्हेन द स्टॉक ट्रिगर दैट पार्टिकुलर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे देन इट विल मूव स्मूथली विद मोमेंटम टू द टारगेट विच हैज बीन फिक्स्ड। सर हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डे, इस क्वेश्चन का जवाब सर एक लाइन में तो नहीं हो सकता, एक वीडियो में भी नहीं हो सकता, आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं ये तो आपने आज पूछा है, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल पूछे और मैंने उनको बताया हुआ है कि सर आपको डेली देखना पड़ेगा अपने स्टॉक्स को, आपने जो भी वॉच लिस्ट में सेलेक्ट किया है ना, आपको डेली देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख पाते हैं, चार्ट वगैरह नहीं देख पाते हैं, रीडिंग नहीं कर पाते हैं सर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारे चीज़ पहले चार्ट पर होता है, चार्ट पर रिफ्लेक्ट होता है, चार्ट पर स्क्रीनर वगैरह भी आते हैं, स्क्रीनर वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पर बहुत सारे लोग स्क्रीनर यूज़ करते हैं। आप स्क्रीनर अगर आपको बेहतर कहीं से पता है स्क्रीनर के बारे में, तो आप स्क्रीनर पता कर लें, पर स्क्रीनर क्या होता है, वो किसी व्यक्ति ने ही बनाया है ना, वो किसी व्यक्ति ने बनाया, अब वो व्यक्ति कितना जान रहा है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो व्यक्ति कितना जान रहा है मार्केट को, कितना समझ रहा है मार्केट को, कितना पैरामीटर को समझ रहा है, और उसके हिसाब से उसने स्क्रीनर बनाया, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, इसलिए मैं स्क्रीनर पे ज़्यादा बिलीव करता नहीं।
मैं अपने चार्ट पे बिलीव करता हूँ, अपने आप पे। तो चार्ट को कंटिन्यू रीड कीजिए सर, एलन साहब। टाइम लगेगा सर, चार्ट को रीड करने में टाइम लगेगा। ये 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में नहीं होगा। बहुत समय बिताना पड़ेगा आपको इस मार्केट में, तब आप उसका स्मूथली लेवल की जो बात कर रहे हैं ना कि विथ मोमेंटम, तभी वो आप अचीव कर पाएंगे उस चीज को। संतोष जी आंध्र प्रदेश से पूछे हैं, व्हाट इज सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन? सर, सपोर्ट लेवल को बोला जाता है डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस लेवल को बोला जाता है सप्लाई जोन। एक लाइन में समझ लीजिए, ठीक है? फिर दूसरा सवाल है आपका, हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक इन लाइव मार्केट बाय मीन्स ऑफ स्कैनर और अदर टेक्निक? सर, आपको देखा होगा कि लाइव मार्केट में अभी मैंने एक सुपर ट्रेंड वाला डाला था, तो वो लाइव मार्केट में काम करता है। उसी तरह से अभी जस्ट मैंने वही बोला कि स्क्रीनर आते हैं सर, है ना, स्क्रीनर आते हैं, स्क्रीनर के थ्रू भी आप सेलेक्ट करते हैं, पर मैं ज़्यादातर स्क्रीनर पर को काम नहीं करता। मैं ये काम करता हूँ अपने चार्ट पर। लाइव मार्केट से भी मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन सारे चार्ट देखने के बाद, चार्ट वगैरह देखता हूँ, जो भी मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक है उसके चार्ट के मूवमेंट को देखता हूँ, लाइव मार्केट में पैटर्न को देखता हूँ, बहुत सारे प्राइस लेवल को देखता हूँ, तभी सेलेक्ट करता हूँ। तो ये टेक्निक भी हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस भी करके भी कर सकते हैं, और स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं। पर आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल एनालिसिस में टाइम लगेगा, स्कैनर में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक क्लिक किया, उसने फाइंड आउट करके बता दिया। पर स्कैनर, याद रखिए, स्कैनर किसी व्यक्ति ने ही बनाया है, और वो व्यक्ति कितना जान रहा है मार्केट को वो मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा स्कैनर पर बिलीव नहीं करता। संतोष साहब, अक्षय शेट्टी जी कह रहे हैं कि सोलापुर मास्टर, हेलो सर, अगर हम कोई इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो मार्केट का मूवमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है? एसएल ट्रेड करते का बेसिक फार्मूला क्या है? सर, आप संडे का डाउट क्लियर सेशन में ज्वाइन हुई है अक्षय साहब, थोड़ा टाइम निकालिए। आप नहीं आते हैं संडे के डाउट क्लियर सेशन में, मुझे पता है, फिर भी आपको आपसे गुजारिश है कि आप जरूर आइए। तो बहुत सारे डाउट संडे को रात में जो 10 बजे मेरा होता है डाउट क्लियर सेशन अपने लोगों के लिए, उसमें क्लियर हो जाता है। तो आप शामिल नहीं होते हैं, मुझे पता है, लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाता है। जैसे ही मैं ऑनलाइन आता हूं, आप लोगों को लिंक जाता है, तो मैं एक एक करके देखता हूं कौन कौन लोग आए हैं और आ रहे हैं, उसमें जल्दी मैं आपका नाम नहीं देखता सर। तो आप आइए सर, थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ पर क्लियर किया जाएगा, और बहुत सारी बातें भी होंगी वहाँ पर। मोहम्मद अमान साहब कह रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से, मेरे पास उत्तम वैल्यू स्टील के 30,000 शेयर हैं 10 पैसे पे। ओके सर, इसको मैं 10 साल के लिए रखना चाहता हूं, इसका फ्यूचर क्या होगा? सर, इसका फ्यूचर 10 पैसे पे 30,000 लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। वो समझ लीजिए कि उसका कोई यूज़ नहीं है, आपको वैसा ही पैसा, उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपने वैसा ही पैसा उसमें लगाया होगा जिसका कि आपको डूबने पे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। क्योंकि वो सर पैनी स्टॉक है, 10 पैसा है आज, हो सकता है वो 0 हो जाए। जब 10 पैसा हो चुका है तो 0 भी तो हो सकता है सर, एक बात तो मान रहे हैं ना आप, कि जो स्टॉक 10 पैसा हो गया है वो 0 भी हो सकता है। तो आपको वैसे स्टॉक में सर वैसा ही पैसा लगाना चाहिए जिसका आपको यूज नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 30,000 शेयर लिए हैं 10 पैसे पे, तो जो भी पैसा यूज हुआ है आपका, उसका आपको यूज नहीं होगा, खत्म भी हो जाएगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 साल के लिए तो भूल जाइए सर, फिर क्यों देखना है उसको? 10 साल तक मत देखिए, एकदम उसको पड़े रहने दीजिए सर, है ना? देखते हैं 10 साल में वो कहाँ तक जाता है। अगर कुछ बाउंस भी आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज वो तो फिर 0 ही है, लास्ट की 0 ही हो जाना है। नरेंद्र जी बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि कैन आई इंटर पीसी ज्वेलर एंड ग्रेफाइट? सर, पीसी ज्वेलर तो एकदम इग्नोर करने की सलाह होगी सर। पीसी ज्वेलर, DHFL, टाटा मोटर्स, यस बैंक, अब उसी लिस्ट में RBL बैंक भी आ गया, ठीक है? अभी फिलहाल मेरे लिस्ट में RBL बैंक, अभी मैं इन सारे लोगों से दूर रहता हूँ, ठीक है? इसका मूवमेंट बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अभी फिलहाल RBL बैंक ने भी अनएक्सपेक्टेड वाली लिस्ट में वो चला गया, तो अभी मैं उससे फिलहाल दूर रहूँगा, और आपको भी बोलूँगा पीसी ज्वेलर से दूर रहिए। ग्रेफाइट का चार्ट देख लेते हैं सर, ग्रेफाइट का चार्ट देख लेते हैं। आपको एंट्री करना है, लेकिन सर आपने एक चीज बताया ना, आपको एंट्री तो करना है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आपने कुछ बताया ना? अगर बता देते तो मैं और भी कुछ इसका स्टॉप लॉस सही बता सकता था। अभी एंट्री लेवल नहीं बनेगा सर, एंट्री लेवल 310 के ऊपर बनेगा, 310 के ऊपर निकले तो ही लीजिएगा इसको। उड़ीसा से पूछ रहे हैं जगन्नाथ साहब कि सर, आई बाय मदरसन सुमी 150 शेयर 115 पे 4 1 1 2 6 में, 1 महीने से 6 महीने के लिए इन्होंने लिया है, तो सर क्या करना चाहिए? तो चलिए मदरसन सुमी को चेक कर लेते हैं सर। दोस्तों, अगर ये मैंने ये
सेक्शन मेरा पसंद आता है, आप लोगों का कुछ हेल्प हो सकता होता है इसके थ्रू, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है हर चीज़ करने में मेहनत लगता है, तो जब मेहनत लगता है दोस्तों, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे खुशी भी होगी कि आपको कुछ हेल्प हो पाता है इससे या नहीं होता है, या बेकार सेक्शन है, कुछ भी आपको जो भी अपना फीलिंग हो, दिल से गाली लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जिसकी जैसी सोच वैसा वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्वागत करूंगा सारे कमेंट का। चलिए, मदरसन सुमी को आपने 115 पे लिया है ना, बहुत ही नियर में लिया हुआ आपने, कोई बात नहीं, 115 पे लिया है सर। 107 का स्टॉप लॉस लगाइए, फिलहाल 107 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको होल्ड करिए। इसके 11 12 के ऊपर अगर ये क्लोज करता रहा ना, तो एक मूवमेंट आपको मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर की कंपनी है मदरसन सुमी, तो एक बार आप स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है सर, 103 रुपये 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, ज़्यादातर 107 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये 111 12 के ऊपर क्लोज करता रहा ना, तो एक अच्छा मूवमेंट देगा, अदरवाइज ये फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा तत्काल, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो। अमरेंद्र भौमिक जी कह रहे हैं कोलकाता से यूबीएल खरीदा है 1400 में, सीमेंस 1205 में, एसीसी प्रेजेंट प्राइस पे खरीदना ठीक होगा या नहीं? यूबीएल सीमेंस का क्या करूं? यूबीएल को देख लेते हैं सर हम लोग, यूनाइटेड बेवरेजेस है ना, यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड नाम है उसका, यूनाइटेड 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 बेवरेजेस, या यूबीएल। आपने 1500 पे लिया है ना, 1400 पे लिया है, 1400 पे लिया, तो सर स्टॉप लॉस तो बड़ा बनेगा 1350 का, अभी आप होल्ड करिए 1350 के स्टॉप लॉस के साथ यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड यानी यूबीएल को। टारगेट आपको मिलेगा लेकिन ज़्यादा का नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1420-30 तक का टारगेट मिले, एक बाउंस मिले तो निकलने की कोशिश की जाए, लेकिन 1340 का स्टॉप लॉस आप होल्ड करिए। दूसरा है, आपने कहा है कि सीमेंस 1205 में आपने लिया, तो सीमेंस के भी चार्ट को हम लोग देख लेते हैं, PQRS SIEM एंड सीमेंस। सीमेंस ने अपने 1205 पे लिया है, तो अभी फिलहाल वहीं के आसपास में है, ज़्यादा का आप लॉस में नहीं है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए सर, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1170 रुपये का, 1170 को ब्रेक करें तो फिर ये नीचे के साइड में आपको तेजी से डाउनफॉल दिखाएगा, जो कि 1120 तक लेके जाएगा। एसीसी की बात कर रहे हैं आप, तो एसीसी भी हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट लेवल पे, प्रेजेंट लेवल पे अभी बिल्कुल नहीं सर, ठीक है अभी बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट लेवल पे अभी बिल्कुल नहीं, बहुत ही लंबा हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, अगर ये ब्रेक कर गया 1500 को 1510 के नीचे, तो आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो एसीसी को भी थोड़ा इग्नोर करिए। एंड कह रहे हैं आई ऑलवेज शेयर योर वीडियो विद 7 to 8 व्हाट्सएप फ्रेंड्स, थैंक यू सर इसके लिए। मैं और लोगों भी से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को आप लोगों के ग्रुप में शामिल हैं, आप लोगों के दोस्त मित्र भाई जो भी है, जो लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, आपकी मर्जी सर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को जानकारी मिल सके, जो लोग ऐसी वीडियो खोजते हैं या देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को हेल्प हो सके। रियाज साहब बेंगलोर से कह रहे हैं कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के 500 शेयर को 396 पे लिया है, अभी प्राइस 354 पे है, तो क्या करें सर? एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप हेक्सावेयर में, हेक्सावेयर, ठीक है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए हेक्सावेयर, एक स्टॉप लॉस जो लगेगा सर लास्ट 345 का लगेगा, ठीक है 345 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, थोड़ा और सिक्योर रखना चाहते हैं तो 342 तक का भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है ना, स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, अगर 366 को ऊपर की तरफ अगर ये निकालता है तो आपको 390 तक का टारगेट देगा, लेकिन अगर स्टॉक निकल जाता है वापस 345 के नीचे, तो ये फिर से नीचे की साइड में चला जाएगा, तो याद रखिए 340 का लास्ट स्टॉप लॉस बनता है इसका, उसको होल्ड करके रखिए 340 के ऊपर। क्या ये कौन है अब इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ इन्होंने, प्रदीप नारायण जी पटना से, सर ये क्या लिख दिया मैंने, भगवान को नहीं देखा सिर्फ सुना हूँ किसी को मैं, जो किसी की मदद सिर्फ भलाई के लिए, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो भगवान से कम नहीं, सिर्फ भगवान ही निस्वार्थ कार्य करते हैं, मनुष्य तो यह कार्य कर ही नहीं सकता। थैंक यू सर, क्या आपने कह दिया, बड़ी बात, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ। हीरो मोटर 2491 पे लिया है, अपने टारगेट बताएं,
मारुति 5901 टारगेट बताएं, अवंती P32 टारगेट बताएं, L&T फाइनेंस 117 टारगेट बताइए, सन फार्मा 485 टारगेट बताइए, L&T 1477 टारगेट बताइए। सर सारे का टारगेट मैं किसी का नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस बताऊंगा, ठीक है। पहले आप अपना कैपिटल सेव करिए सर, फिर टारगेट आ जाएंगे, है ना। पहले कैपिटल सेव करिए। तो चलिए हीरो मोटोकॉर्प 2491 पर, हीरो मोटोकॉर्प 2491 पे लिया है सर। स्टॉप लॉस लगाइए, पहले कैपिटल सेव करिए प्रदीप साहब। 2360 का एक स्टॉप लॉस होल्ड करिए, ठीक है। मारुति 5901 स्टॉप लॉस मेंटेन करिए सर, कैपिटल सेव करिए पहले। कैपिटल टारगेट अपने आप फिर आ जाएंगे, अगर कैपिटल सेव रहेगा, पैसा बचा रहेगा, तो आप दूसरा स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर ट्रेड कहाँ करेंगे सर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, 5636 का, 5630 तक का स्टॉप लॉस लगाइए मारुति में। अवंती फिर 332 पे लिया है, टारगेट बताइए। अवंती 332 पे लिया है, 310 हो चुका है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए सर फिलहाल। 295 का, 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, कटता है तो निकल जाइए। L&T फाइनेंस 117, चलिए 117 पे आपने L&T फाइनेंस लिया है, इसको देख लेते हैं। L&T फाइनेंस तो चलिए L&T फाइनेंस को देखें। L&T फाइनेंस 117 पे लिया आपने, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 105 का, कटेगा तो निकलना पड़ेगा, फिर और नीचे चला जाएगा। सन फार्मा 485 पे लिया है, सन फार्मा को आपने 485 पे लिया है सर, 485 पे, वाह बहुत नीचे आ गया सर। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 410 रुपये का सर। कैपिटल सेव करिए प्रदीप साहब, कैपिटल सेव करिए। TCS 2100 पे लिया है, 2035 का स्टॉप लॉस लगाइए प्रदीप साहब TCS में, ठीक है। कैपिटल बचा रहेगा तो आप आगे भी फ्यूचर में ट्रेड कर पाएंगे, कैपिटल ही नहीं बचेगा तो ट्रेड कैसे कर पाएंगे। चलिए सर आपके इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ठीक है। बस मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, तो कर लेता हूँ सर। सतीश साहब कह रहे हैं चंडीगढ़ से, मेरे पास 1 लाख है और मैं 2 से 3 मंथ के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सजेशन से 10 से 15% रिटर्न दे सके। 2 से 3 महीने में 10 से 15% का रिटर्न चाहिए इनको। 1 लाख रुपए सर प्रदीप, सतीश साहब 1 लाख रुपए, तो आप सर एक बार ऐसा करें ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। स्टॉक में इन्वेस्ट करना फिलहाल कंडीशन को देखते हुए ना, फिलहाल कंडीशन को देखते हुए ज़्यादा सेफ नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, वो डाउनफॉल हो सकता है, स्टॉक से ही रिलेटेड होते हैं। तो अभी फिलहाल आप वेट कर लीजिए सर, मार्केट 1-2 महीने आप वेट कर लीजिए, 1-2 महीने के लिए उस स्टॉक उस पैसे को ना फिलहाल सेफ से रखिए। अगर उसके बाद अगर आपके पास वो पैसा रहता है तो आप उसको इन्वेस्ट करिएगा किसी हैवी वेट स्टॉक में, ठीक है। मार्केट के किसी हैवी वेट स्टॉक्स में, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, हैवी वेट स्टॉक्स होना चाहिए, L&T, ये सब में आप कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मत कीजिए, अभी सारे स्टॉक डाउनफॉल, सारे सेक्टर डाउनफॉल में, पूरा मार्केट का सेंटीमेंट हो सकता है। आप 1 लाख लगाएं और वो स्टॉक्स अभी मार्केट के सेंटीमेंट में स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब है तो वो नीचे आ सकता है प्रेशर में, तो आपका 1 लाख थोड़ा सा लॉस में चला जाएगा। तो अभी फिलहाल वेट कर लीजिए सर, है ना। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ सर, बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही काम करें। दीपक साहब मोहाली से पूछ रहे हैं सर, शॉर्ट टाइम के लिए कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए। अभी सर शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, अभी शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं हो सकता सर। शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है जहाँ तक चार्ट देखिए, तो कम से कम अभी हमें 1-1.5 महीने 2 महीने और वेट करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न पाने के लिए। मतलब इस साल के ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर से दिसंबर तक में मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल मार्केट 1-1.5 महीने के लिए इसी रेंज में, बीच बीच में बाउंस बैक आता रहेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसी रेंज के आसपास घूमता रहेगा। 11,300, 11,600, 11,700 इसी के रेंज में घूमता रहेगा मार्केट। जो 12,200 का 100 का जो इसने हाई लगाया था उसको अभी काटना मुश्किल है, तो मुझे लगता है ये पूरा नवंबर दिसंबर तक ये ऐसे ही झुलाता रहेगा। तो अभी सर वेट कर लीजिए, शॉर्ट टर्म में अभी कुछ खास नहीं होने वाला, कैपिटल सेव करके रखिए, फिर बाद में काम किया जाएगा उस पर। रवि कुमार साहब सिटी करनाल से पूछ रहे हैं, हरियाणा से, विप्रो 34 शेयर को 266 पे लिया है। चलिए विप्रो को देख लेते हैं सर। विप्रो को 266 पे लिया है सर, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा सर लगभग 255 रुपए का, 255 कटेगा तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है रवि साहब, इसको होल्ड करके रखिए 255 के स्टॉप लॉस के साथ। राहुल सर पूछ रहे हैं, राहुल सिंह साहब आगरा से,
गुड इवनिंग सर, आई जस्ट वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल इन इंट्राडे ट्रेडिंग. थैंक यू सर. सर आई जस्ट स्टार्टेड टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट एंड आई हैव ओपन माई डीमैट अकाउंट विद ज़ीरोधा. आई ट्राई टू इंट्राडे ट्रेडिंग एंड अर्न 90 रुपीज ऑन माई फर्स्ट ट्रेड. अच्छा, इन्होंने 90 रुपये पहला प्रॉफिट गेन किया था पहला दिन, बट 19 जुलाई को इन्होंने लॉस कर दिया है 1500 रुपये का, यानी 90 रुपये का प्रॉफिट और 1500 का लॉस. और किस में किया है? तो एसीसी वाले स्टॉक में किया है. सो सर काइंडली गिव मी थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक एंड फंडामेंटल. सर आप मेरा ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाके वीडियो को देखिए. ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट बना, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आप उस वीडियो में से देखिए. दूसरा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज करके टर्मिनल बना हुआ है, आप उस टर्मिनल में भी बहुत सारे वीडियो, आप उसे भी देखिए सर, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी. दूसरी बात, आप अपना रिस्क पहले डिसाइड करिए सर कि आपको रिस्क कितना लेना है. अगर रिस्क ओवर हो रहा है, माने ज्यादा हो रहा है, आपके पॉकेट से ज्यादा हो रहा है, आपकी लिमिट से ज्यादा हो रहा है, फिर आपको रुकने का कोई फायदा नहीं, आपको जो भी सौदा होगा काटना पड़ेगा. तो पहले आप अपने रिस्क को समझिए सर. यहाँ पे लोग रिस्क नहीं समझते हैं, पहले रिवॉर्ड को देखने लगते हैं, जिसके वजह से भारी लॉस होता है सर. अभिषेक मिश्रा साहब मुंबई से पूछ रहे हैं, मारुति सुजुकी को 12 शेयर 5870 पे लिया है, नेटको फार्मा के 589 पे लिया है और M&M के शेयर को 583 पे लिया है. M&M से एग्जिट करिए सर, एकदम अभी निकलने का ही है. नेटको फार्मा को देख लेते हैं पहले हम लोग, है ना. M&M से तो निकल ही जाइए. नेटको फार्मा को आपने लिया है सर 589 पे, है ना. हाँ, 589 पे लिया है नेटको फार्मा को. स्टॉप लॉस सर बहुत लंबा लगेगा, लगभग 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, अदरवाइज कट करके निकल जाइए. अगला स्टॉक है सर M&M, तो इसे आपको निकलना ही पड़ेगा. हमारे यहाँ रद्दी लेने वाले बहुत आते रहते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है. मारुति सुजुकी के 12 शेयर को 5870 पे लिया है. चलिए हम लोग देखते हैं मारुति सुजुकी. अभी मैंने बताया था सर मारुति सुजुकी को, प्रदीप साहब का जवाब दिया था, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए सर, 5600 रुपये का लास्ट निकलता है तो निकल जाइएगा, इससे कोई फायदा नहीं है. 52 वीक ग्लेनमार्क 461 पे लिया है 100 क्वांटिटी. अशोक लेलैंड 109, अशोक लेलैंड का स्टॉप लॉस लगाइए सर 78 का, ठीक है. 78 का स्टॉप लॉस लगाइए अशोक लेलैंड में. ग्लेनमार्क का 461 पे लिया है 100 क्वांटिटी. 52 वीक लो पर कोई अच्छा स्टॉक बाय कर सकते हैं क्या? रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है क्या? सर बिल्कुल, अभिषेक पांडे साहब जी पूछ रहे हैं कि 52 वीक लो पे जी, 52 वीक लो के नीचे अगर कोई स्टॉक्स आता है तो मतलब वो तो कमजोर हो गया ना सर 52 वीक लो के नीचे. अभी फिलहाल वहां पे फिर ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं. हाँ, 52 वीक लो के ऊपर ऊपर जब वो क्लोज करना स्टार्ट करे और हायर हाई बनाना स्टार्ट करे तो आप लिया जा सकता है. दूसरा आपने लिखा है ग्लेनमार्क फार्मा 461 पे आपने लिया है. चलिए हम लोग ग्लेनमार्क फार्मा को देख लेते हैं. 461 पे लिया है सर. एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ग्लेनमार्क फार्मा में, अंतिम स्टॉप लॉस होगा सर, इसके बाद फिर इससे आपको निकलना ही पड़ेगा 420 का, ठीक है, लास्ट स्टॉप लॉस. और अशोक लेलैंड 78 का स्टॉप लॉस, जहां तक मुझे आ रहा है अशोक लेलैंड का चार्ट याद है, 78 का स्टॉप लॉस कट गया क्या, बचा हुआ अभी 78 का स्टॉप लॉस. तो यही सर इसका अंतिम स्टॉप लॉस, आपको बता दूं यहां इसका चार्ट ही दिखा देता हूं, है ना. 78 ये अगर ब्रेक कर गया सर, ये अगर ब्रेक कर गया तो बहुत तेजी से डाउनफॉल आएगा, इसलिए 78 का लास्ट स्टॉप लॉस है. अगला सवाल है राजीव साहब उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि 20,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूं 2 महीने के लिए, कोई स्टॉक में करूं? नहीं सर, अभी फिलहाल मत करिए, अभी बिल्कुल सारे सेंटीमेंट खराब है, तो 20,000 जो आप लगाना चाहते हैं हो सकता है वो 18,000 हो जाए, तो अभी बिल्कुल मत कीजिए. अगर आप 20,000 लगाना ही चाहते हैं, रखना ही चाहते हैं, तो अभी तत्काल आप किसी बैंक अकाउंट में रख दीजिए, पोस्ट ऑफिस में रख दीजिए, फिलहाल अभी स्टॉक मार्केट में नहीं. हाँ, गोल्ड वगैरह में लगा सकते हैं, अगर गोल्ड में लगाना चाहते हैं तो गोल्ड ज्यादा सेफ रहेगा अभी स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग. BML को शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाया था सादिक साहब ने, वाराणसी से पूछ रहे हैं 936 पे, बट स्टॉप लॉस 911 का टच किया, तो अभी पोजीशन रखनी चाहिए या नहीं? चलिए BML को चेक कर लेते हैं सर. मैंने कल BML पे किया था अपना स्टॉक एनालिसिस पर वीडियो बनाया था, उसमें BML का बारे में बताया था. 911 है ना, 936 पे लिया सर. अभी एक होल्ड करिए, 895-890 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, 890 तक का, ठीक है.
ठीक है 890 तक का एक स्टॉप, 885 तक का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो 865 और उसके बाद तो फिर सीधा कहानी खत्म, 830 चला जाएगा। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए सर, क्योंकि स्टॉक को ऊपर से काफ़ी प्रेशर है, डबल टॉप बना के फिर से नीचे आ रहा है। तो हमारे ख्याल से अगर स्टॉप लॉस कटता है आपका, लगभग 880 का स्टॉप लॉस है अगर कटता है, तो फिर आपको निकलने में भलाई है सर। क्या शनिवार, अच्छा नवाज पाशा साहब का सवाल आ गया है, वही मॉक ट्रेडिंग वाला। तो सर सवालों का सिलसिला हो गया खत्म, तो जिन लोगों ने सवाल भेजा था उन सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ दे दिया। कुछ सवाल मिसिंग हो गए, हो सकता है या तो उन्होंने कुछ गलती किया होगा या सवाल सही तरीके से लिखा नहीं होगा, तो वो सारे सवाल रिजेक्ट हो गए। कुछ सवाल जरूर रिजेक्ट हुए हैं, इसके लिए जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके लिए मैं माफी चाहूंगा उनसे, और जिनके सवालों का जवाब मैं दे पाया, अपना व्यू बता पाया, अगर पसंद आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सर, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।